कोरोना का असर सब्जी बाजार पे भी पड़ा है। ये उदयपुर की मुख्य मंडी है, जहां पूरे संभाग में सब्जी वितरण का कार्य होता है। क्या इस पर असर हुआ है? किस तरह की महंगी सब्जियां या सस्ती हुई हैं? क्या आगे भी इस पे असर रहेगा? देखिए हमारे साथ खास रिपोर्ट। लेकिन प्रशासन ने सब्जी रिटेल में मंडी जाकर खरीदने वाले को भी चेतावनी दी है कि सभी लॉकडाउन में जो लोग अपने घरों में हैं, वे अपने घरों के आसपास ही सब्जी खरीदें, कोई भी मुख्य मंडी न जाए। मुख्य मंडी में रिटेल बंद कर दिया है। अभी हमारे सब्जी मंडी के अंदर प्रशासन और मंडी प्रशासन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। व्यापारियों में और मंडी प्रशासन के लोगों में अच्छा तालमेल है, जिससे इस कोरोना महामारी को लेकर सब व्यवस्थित है। यहाँ मंडी प्रशासन बहुत मुस्तैदी है, पुलिस लगी हुई है, बराबर ग्राहक है। आम भी है, अंगूर है, पाइनएप्पल है, अनार है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अभी सब चीज उपलब्ध है, भाव सब नॉर्मल है, जैसे पहले बिकते थे विशेष प्रकार बिक रहे हैं, ना तो कोई ज्यादा है ना कम है। जिसका जो माल जो भाव है उसको भाव उसको उपभोक्ता से लिया जाता है। हमारी तरफ से जो ग्राहक आते हैं, ग्राहक अपनी अपने क्षेत्रों में वार्डों में जाके अपनी सप्लाई देते हैं, वो इसी प्रकार वो जो नॉर्मल रेट है वही चल रहा है। बताए क्या कहना आपका? सब्जी तो जैसे किसानों की आती है वैसे ही आ रही है, बढ़िया, एकदम कोई तकलीफ नहीं हो सकता। कोई ऐसा सब्जी मंडी में अंदर कोई ऐसा केस तो है नहीं, जो ये तो बाहर से जो आ रहे हैं उन्हीं में है ज्यादा। लोकल में तो ऐसा कुछ है नहीं, किसानों के तो कभी ऐसा कोई गाँव में तो है नहीं, सब्जियाँ तो सब फ्रेश ही आ रही है। एक तो मास्क पहन के रहना है कंपलसरी है यहाँ पर मंडी के अंदर, और बस और हाथ धोते रहो सबके बड़े हुए, जैसे हमारे हाथ धोने के पड़े हुए बनाने के लिए बोलते हैं, और तो बस एक मीटर दूर रहना है। और रिटेल मंडी हो रहा है कि माल को हम ज्यादा सस्ता भी नहीं कर रहे और ज्यादा महंगा भी नहीं कर रहे, जिससे नियंत्रण भीड़ में बरकरार है, काबू है मार्केट की व्यवस्था पर। लोगों को हम कह भी रहे हैं कि जिन्हें खांसी या जुकाम या छींक हो रही है वो कम से कम मुंह ढक के खड़े रहे, और कोशिश तो यही करते हैं कि लोगों को कम से कम 1 मीटर की दूरी पर खड़े रखें सबको, ज्यादा ढील भी नहीं दे सकते मार्केट में लोगों को। इसी तरीके से काबू कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, और हाथ पैर मुंह तो सबके बंद ही। उदयपुर ग्रामीण से किसान जितने भी आ रहे हैं, सब्जी लेकर आ रहे हैं, फल फ्रूट लेकर आ रहे हैं, सभी इस मंडी के अंदर आ रहे हैं, तो उन सबको हमने ये हिदायत दे रखी है कि आप मास्क लगाएं, इस तरह से मास्क लगाएं ताकि आपके अगर कुछ बीमारी है तो अगर आप बोलते हो हालते हो तो अगर आपके मुंह से कुछ निकलता है तो दूसरों को बीमारी नहीं लगे, और हमने यहाँ सबको हिदायत दी। उसके अलावा भी हमारा मंडी प्रशासन है, वो भी इस मामले में बार बार ये ऐलान करता है कि आप मास्क लगाए और दूरी बना के रखें, और 144 लगा रखी है, लुकआउट है, उसकी पालना करें। अगर हम समझदार और ऐसे हैं, अगर उसकी पालना नहीं करेंगे और अवेल ना करेंगे तो ये तो सबके दुख रहेगा। और सैनिटाइज करें और मुंह पे नकाब बांधें, हाथ बार बार धोएं, सब वही बचाव ऐसे सब बढ़िया, और कुछ भी नहीं। सब आम, अंगूर और संतरे, क्या 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 भाव मिल रहे? संतरे और आम सबका काम उतर गया है, माल आवक बहुत ज्यादा है, ग्राहक है नहीं, वायरस की वजह से सब किसान मर गए, और ये सही चलता रहा तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा सभी व्यापारियों को। एक सेकंड जी बताए, पिछले साल की तुलना में आधा भी नहीं है आपके पास? क्या क्या भाव चल रहा है अभी? अभी पिछले साल इन दिनों में 12-13 था, अभी 8-9-10 रुपए। ये होलसेल का भाव हुआ, आप रिटेल में